यस सिक्स क्लास बेटा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें कैसे मैनेजमेंट करनी चाहिए वेस्ट की, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें कलेक्शन करनी होगी, ठीक है। जितना भी वेस्ट हम देख रहे हैं हमारे आसपास है, उसको हमें क्या करना होगा, कलेक्ट करना होगा। उसके बाद हमें उसको सेग्रीगेट करना होगा वेस्ट को। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, अलग अलग करना, और फिर उसको हमें डिस्पोज करना होगा, डिस्पोजल, ठीक है। सो कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट कैसे होगा, कि पहला स्टेप है कि हमें क्या करना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि पहले हम कलेक्ट करें वेस्ट को। उसके लिए हमें डोर टू डोर, ठीक है, डोर टू डोर हमें क्या करना होगा, वेस्ट को कलेक्ट करना होगा फ्रॉम गार्बेज डम्प्स और गार्बेज बीन्स प्लेस्ड एट वेरियस लोकेशंस इन द सिटीज और टाउन्स बाय द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को क्या करना होगा, जगह जगह गार्बेज बीन्स, गार्बेज डम्प्स को रखना होगा, उनको प्लेस करना होगा, ठीक है। हम देखते हैं ना कई जगह पे डस्टबिन के लिए लगे हुए रहते हैं, ओके। सो इट इज़ देन सेपरेटेड इनटू कंपोस्टेबल एंड रिसाइक्लेबल वेस्ट। उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें उन वेस्ट को सेपरेट करना होगा, अलग करना होगा। वो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ग्रीन डस्टबिन और एक ब्लू डस्टबिन दिखाया गया है। ग्रीन डस्टबिन किसके लिए है, कंपोस्टेबल वेस्ट के लिए है, और ब्लू डस्टबिन रिसाइक्लेबल वेस्ट के लिए है। तो कंपोस्टेबल वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जो कि क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो कि डीकम्पोज हो जाते हैं, जिसमें किचन वेस्ट आ जाता है हमारा, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के पील्स आ जाएंगे। और रिसाइक्लेबल वेस्ट उनमें क्या आता है बेटा, उसमें पेपर्स, प्लास्टिक, मेटल्स, ये सारी चीज़ें जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, जो कि आसानी से डीकम्पोज नहीं होती, जिनका आसानी से ब्रेकडाउन नहीं होता। सो बहुत सारी सिटीज़, मेजर सिटीज़ में हम देखते हैं बेटा कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो सेपरेट गार्बेज बीन्स अलाउ करते हैं। ग्रीन बीन्स किसके लिए होता है, कंपोस्टेबल वेस्ट के लिए, ठीक है, और जो ब्लू बीन्स होता है वो किसके लिए होता है, रिसाइक्लेबल मटेरियल्स के लिए होता है, ओके क्लास।